31 आलो इसमें अभी तो जाहिर है कि आप अपने बड़े भैया के लिए आए हैं। अभी आप देख सकते हैं आईसीयू है, किडनी का डायलिसिस वहाँ पे आजकल हो रहा है, इस तरह की सुविधाएं अभी आलो में नजर आ रहे हैं। आप पार्टी महामंत्री भी रह चुके हैं, 31 आलो ईस्ट में देखा गया है कि दोनों ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा कायम करके रखा हुआ है। आपके बड़े भैया पूर्व मंत्री जरकर गमलिन जी के कई सारे एक्टिव मेंबर्स को अंडर सस्पेंशन रखा गया है पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए, एनपीपी से उनका नाम जोड़ा जा रहा है। सर, पार्टी किस तरह से काम करती है, कार्य प्रणाली क्या है, आपको क्या लगता है कि 2019 को आपने पार्टी छोड़ी, उसके बाद आपने चुनाव लड़ा, क्या इस बार भी जरपुम गमलिन का चेहरा 27 निर्मोह में दिखाई देने वाला है? मैं 27 निर्मोह पॉलिटिक्स को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ। लेट तुम्ही गंगा के बारे में और इस केस से आप काफी नजदीक से आप जुड़े रहे हैं, और उड़ती खबर हमें ये भी मिली है कि इस बार आप सिटिंग एमएलए स्थानीय विधायक न्यामर करबाक जी के ट्रेन में सफर करने वाले। मैं मिला हूँ करबाक साहब से, मैं मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मिला हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जरकर गांव में इस जिंदगी के इस पड़ाव में आकर जब लड़ रहे हैं वो जीतना चाहिए, और हम जी जान फूकेंगे। किंतु जिन साहब से मिला, मैं मिलूंगा। बसीर जी ने बहुत बढ़िया आदमी मेरे साथ, हम दोनों साथ एक साथ पीछे। नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में पेश कर रहा हूं आप लोगों के समक्ष एकदम एक रॉ इंटरव्यू, कोई प्रिपरेशन नहीं, मतलब आनंद फानन में अभी मिला अभी क्या, क्विक चैट वाला एक इंटरव्यू कर रहा हूं। ना तो शब्दों में मिश्री या शहद घोल कर आप लोगों के सामने पेश करूंगा, ना ही कोई खिचड़ी पकाकर पेश करूंगा। और मेरे इस इंटरव्यू में आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहूंगा, क्योंकि इनसे मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही कम हाथ में आते हैं अरुणाचल प्रदेश के। अगर पत्रकारिता जगत में कहे तो वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, स्तन सेंटिनल के फाउंडर एडिटर रह चुके हैं, और राज्य में इस वक्त अगर राजनीति का माहौल चल रहा है तो अगर हम यूं भी कह सकते हैं कि केवल यही नहीं, इनका पूरा परिवार ने, पूरा खानदान ने एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य के राजनीतिक जगत में, राजनीतिक इतिहास में लोगों का जन प्रतिनिधित्व क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जरबम गामलिन जी के छोटे भाई हैं, और अगर खुद पे आए तो बीते विधानसभा चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में 27 लिरमोबा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने खुद बतौर उम्मीदवार एनपीपी से चुनाव भी लड़ा था। जरपुम गामलिन जी हमारे साथ है, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे पता चला कि यहाँ पे आलो में कुछ ही दिनों के लिए आए हैं, नदी पे अभी नहाने के लिए काम्बा में आए हुए हैं, और मैं भी काम्बा में काम से आया था, मुझे पता चला, तुरंत मैंने समय मांगा और लपक लिया। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे वक्त देने के लिए। काफी दिनों बाद आलो में आपको सर देखना हुआ, कैसा लग रहा है आलो आके, वेस्ट सियांग आके, आपके 27 में आके? सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद किरण। इनफैक्ट अच्छा लगता है जब किरण से बातचीत होता रहता है। इनफैक्ट ये बिल्कुल ही इनफॉर्मल रहेगा मेरे ख्याल से, इनफैक्ट वही हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट रहा है कि बिल्कुल इनफॉर्मल रहेगा, बिकॉज किरण और देखिए जब पश्चिम सियांग अनडिवाइडेड के समय से जब भी कोई ग्राउंड रिपोर्टर, क्रेडिबल ग्राउंड रिपोर्टर की बात होती है तो किरण का नाम हमेशा आगे रहा है। तो मैं उस वक्त एक्टिव रहता था मीडिया के क्षेत्र में, तो हमेशा किरण से बातचीत होते रहते थे। काफ़ी समय हो गया बातचीत भी नहीं, कम से कम 1.5-2 साल बाद मिल रहे हैं फिजिकली। तो किरण यहाँ समय लेके यहाँ पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरह जो आपने सवाल करा है कि किस तरह का माहौल है, देखिए सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा लिखाबाली से लेके आलो, अब रास्ता जो है इतना शॉर्ट हो गया, इतना बढ़िया हो गया है, तो हम सोच नहीं सकते थे कि रास्ता किसी दिन कभी दिन ऐसा होगा। तो आज एक सपना पूरा हो गया, जब आप 4 घंटे के अंदर में आप लिखाबाली से आराम से धीरे रफ्तार में अपने कंट्रोल वे में पहुंच जाते, तो ये सबसे बड़ा मुझे बढ़िया लगा आलो पहुँच के, और स्पेशली अब आलो ब्रिज जो नया बन गया वो भी देख के अच्छा लगा। तो सोशली चलो रोड भी बन गया, रोड भी अच्छा लगा। हाँ, कई जगह टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जो मेरे ख्याल से आलो में एक आलो डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी कुछ एक संगठन भी है, तो मैं तो चाहूँगा कि उन लोग भी थोड़ा देखना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलो सबसे पहला जरूरी चीज़ था रोड वाइडनिंग हो जाए, वो हो गया है एंड इट्स अ मैसिव अचीवमेंट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी एंड टू द एंटायर पीपल ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा डेवलपमेंट है। और जहाँ तक, और मैं 2-4 दिन के लिए किस लिए आया वो तो आप लोग ने कवर ही करा है, तो आपको पता है मेरे सबसे बड़े भाई वरिष्ठ जो घर पे सबसे जो आप कुंभा का जो हेड है, परिवार का जो हेड है श्री जरकर गामलिन, उनका इलेक्शन का जो डिक्लेरेशन प्रोग्राम था, तो उसके संदर्भ में
मैं ही नहीं, मैं तो सबसे छोटा हूँ, बल्कि जो मझले भाई हैं बीच के जो है जारसा है, मेजर जनरल रिटायर्ड जारके ने सब, हम पहुँच गए थे तो हम आलोक पहुँच गए, तो वहाँ भी अच्छा लगा माहौल देख के, और जिस तरह का एक हवा बना है तो वो देख के तो अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकली भी बहुत वेस्ट यंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला, अभी जितना सुनने में आया है, जैसे आलो ईस्ट में दो उम्मीदवार अभी तक मैदान में, मेरे ख्याल से अभी तक जो अभी के सिटिंग एमएलए उसने तो डिक्लेरेशन दिया नहीं है, मगर लगभग सिटिंग एमएलए का तो तय ही है, लेकिन वो दो है, या आलो वेस्ट में मेरे ख्याल से अभी तक तीन कैंडिडेट के नाम सुनाई दे रहे हैं, और लिरुमोबा में दो कैंडिडेट अब तक मैदान में है, लेकिन अब तक डिक्लेरेशन ना दोनों ने दिया है। तो मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, एंड लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स इन डेज टू कम। और साथ में मैं भी ये भी कहूँगा कि अब 8-9 महीने बाकी है, तो 8-9 महीने पॉलिटिक्स में बहुत होता है, और जिस तरह का सीन क्रिएट होगा 8-9 महीने में देखते रहते हैं, है ना। आप भी पत्रकार हो, आपने भी बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, हमने भी देखे देखे क्या, मैंने खुद लड़ा एक इलेक्शन और हारा भी है, तो उसका हारने का भी एक आनंद है और लड़ने का उससे बड़ा आनंद है। तो मेरे ख्याल से टू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हु आर इन द फील्ड, एंड बेस्ट ऑफ लक टू द एंटायर पीपल ऑफ वेस्ट सियांग। जिस तरह का डेवलपमेंट देख रहे हैं, जिस तरह का बदलाव हो रहे हैं पॉलिटिकली सोशली, तो इट्स ए इंटरेस्टिंग टाइम। सर आप एक कामयाब वरिष्ठ पत्रकार तो है ही है, आपके शार्प माइंड हमें पता है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन ये भी हमें पता है, साथ ही आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, साथ ही एक राजनीतिक जगत में भी आपका छाप है। तो आज हम और हमारे दर्शक इन सभी का घुला मिला वर्जन आपका देखना चाहेंगे सारे मुद्दों पे। तो ऐसे में 31 आलो ईस्ट में अभी तो जाहिर है कि आप अपने बड़े भैया के लिए आए हैं, तो अभी जो जो आपने रजामंदी जो आपने दिखाई, जो जो चीज़ बदलाव जो आलो में आया है, आपको आपने जो कॉन्ग्रेचुलेट खुद को भी किया, आपको क्या लगता है क्रेडिट कहाँ कहाँ किस लेवल पे किस किस तरह का क्रेडिट जाना चाहिए इन सब आलों में जो बदलाव अभी आपने लिखा वाली से गिनती किया सर? इनफैक्ट देखिए, समाज में जो भी डेवलपमेंट होता है ये इट्स अ कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूअल प्रोग्राम होता है। से फॉर एग्जाम्पल केंतो जी ने, आप आलो इसके ही बात कर रहे हैं ना? जी, जी। हाँ, तो जीनी साहब एडवोकेट काफ़ी सीनियर एडवोकेट है, जीनी साहब से पहले जारकर गामलिन दो टेन्योर रहा, उससे पहले कृतोसारा साहब रहे, उससे पहले दो यादव साहब रहे, दो यादव साहब ने कुछ डेवलपमेंट करा उसके ऊपर में, जीनी साहब ने सोरा साहब ने करा उसके ऊपर, गामलिन साहब ने करा, अब उसके ऊपर जीनी साहब कर रहे हैं। सो इट्स अ कंटिन्यूअल प्रोग्राम, इट्स अ कंटिन्यूटी। लेकिन एक सभ्य समाज, एक सिविल सोसाइटी, एक सभ्य समाज में, एक सिविल सोसाइटी में ये जिम्मेदारी है कि जैसे जारकर गामलिन साहब है, ये कभी नहीं कहना चाहिए कि आदो साहब ने कुछ नहीं करा या सोरा साहब ने कुछ नहीं करा। सोरा साहब ये नहीं कहना चाहिए कि आदो साहब ने कुछ नहीं करा। आदो साहब ने कुछ करा तभी तो सोरा साहब उसके ऊपर कुछ कर पाया, उसके बाद उसके ऊपर गामलिन साहब ने करा, अब उसके ऊपर जीनी साहब ने करा। तो एक कंटिन्यूटी रहना चाहिए और होना भी चाहिए यही। हाँ, जहाँ तक आप जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में ले जाते हो, तो उसके संदर्भ में मैं तो यही कहूँगा कि शायद आपने भी इंटरव्यू लिया है गामलिन साहब का, तो ही ऑल्सो मेड फ्यू स्टेटमेंट अबाउट द क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स अबाउट द क्रेडिट पार्ट ऑफ इट। सबसे पहले तो क्रेडिट जनता को जाना चाहिए, रोड अच्छा बनाए जनता को क्रेडिट, रोड पूरी तरह नहीं बनाए जनता को क्रेडिट। क्या है कि आप जब किसी को नियुक्त करते हो, आप किसी को जिता के लेके आते हो, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिलीवरेबल्स आपने जो कमिट किया उसको पूरा करना। और जहाँ तक रोड का सवाल है, वो जारकर गामलिन साहब ने अपने डिक्लेरेशन के दिन काफ़ी डिटेल में बताया है कि कौन कौन डेलीगेट्स गए थे, कब गए थे। तुकी साहब के समय में 60 करोड़ लेके आए उसके मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद ये जो नितिन गडकरी के साथ बात करके जो दो पैकेज था पूरा अरुणाचल, उसको किस तरह 10 पैकेज में, और 10 क्या 7 10 का मांगा था मगर 7 पैकेज में किस तरह बांट दिया। फिर आलो का पैकेज ए बी जिस तरह का डिवीजन हुआ, 6-7 जिस तरह पैकेज डिवीजन हुआ उस तरह करा के उसने चालू करा। अब उस समय काम चालू हुआ, क्या है कि ये ऐसा तो नहीं है कि 1 रुपये का काम है, ये करोड़ों में काम है, 100, 200, 300, 400 करोड़ का काम है। ये एक दिन में नहीं होता है, ये 5 साल में नहीं होता है, 10 साल में होता है, 15 साल में होता है। और जबकि मैं 15 साल इसलिए बोल रहा हूँ, ट्रांस अरुणाचल हाईवे मुझे आज भी याद है, उस वक्त मैं सक्रिय पत्रकारिता करता था, मुझे आज भी याद है मनमोहन सिंह आए थे ईटानगर में,
उन्होंने उस वक्त 2009 में ट्रांस अरुणाचल हाईवे के लिए दोरजी खांडू साहब जब मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त उसने अनाउंस करा था 25,000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया था, विच वॉज ट्रांस अरुणाचल हाईवे स्टार्टिंग फ्रॉम तवांग टू दैट प्लेस विजयनगर, है ना। तो 2009 से चालू, आज 2023 आ गए, आप बोलिए 14 साल हो गए ना। तो ये होता है डेवलपमेंट कि कोई भी, मनमोहन सिंह ने चालू करा था इसलिए नरेंद्र मोदी फंड नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं करा, है ना, उसने भी दिया, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बढ़िया है। तो ये है कि जो भी लीडर आता है, जो भी नियुक्त होकर आता है, कोई भी जीत के आता है, उनका जिम्मेदारी है कि पब्लिक को तकलीफ ना हो, डिलीवरेबल जो भी कमिटमेंट उसको पूरा करे और आगे बढ़ाए बात को, है ना। इसमें क्रेडिट झारखंड ने बनवाया था, या झारखंड साहब कहना कि मेरे समय आता है, जिन्हें साहब बोलना कि मैंने बनाया है, है ना, इट्स नॉट एब्सोल्युटली, दोनों की कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई है झारखंड के समय कागज वागज जितना DPR CPR सब वो पॉलिसी प्रोग्राम जितना डिस्कशन होता, अप्रूवल हुआ और उसको चालू करा भी और बीच में रोक भी दिया, बिकॉज उस समय के ठेकेदार TK इंजीनियरिंग वो खुद सरेंडर करके उनको डिसमिस ब्लैक लिस्ट करके हटा दिया गया। उसके फिर नया टेंडर हुआ, नया पैकेज बना, फिर जीनी साहब के समय आया, जीनी साहब के टेंडर कंप्लीट हुआ। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट जीनी साहब ऑल्सो, एंड और साथ ही साथ इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है, जीनी साहब भी मच्योर आदमी है, दुनिया देखा हुआ घुमा हुआ आदमी है, और मच्योरिटी और सिंसियरिटी इसी में कि जीनी साहब भी क्रेडिट अकेले ना ले, और झारखंड गामलिन साहब का जहाँ क्रेडिट ड्यू है उनको भी दे दे, वही बलाई है। और उसी में उसका बड़प्पन, उसका जो लीडरी जो होता है ना, दिलदारी जो होता है, लीडर क्या होता है, बड़ा दिल होना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए और बड़ा सोच रखना चाहिए, मैं यही बोलूँगा। और बाकी जिन्हें सब पढ़े लिखे आदमी समझते हैं। अभी जो आपने सर कहा, ये क्या हर जगह पर लागू होता है, यानी कि जो हॉस्पिटल हो गया आलो जनरल हॉस्पिटल, पहले उस दौर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करता था, जहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ICU है, किडनी का डायलिसिस वहाँ पे आजकल हो रहा है, इस तरह की सुविधाएं अभी आलो में नज़र आ रहे हैं। साथ ही बहुत समय से, बहुत सालों से ठप पड़ा हुआ जनरल ग्राउंड आलो आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे जिन साहब की बात कर ले कि उनका भी ध्यान उस तरफ जाता है, और बात जब भी करते हैं तो वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ जो लोगों को दिखाई दे रहा है काम, जनरल ग्राउंड हो चुका, मेडिकल हो चुका, और बैडमिंटन कोर्ट वगैरह हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह, तो क्या इन सभी सारी चीज़ों पर अभी ये अभी जो आपने कहा सब लागू होता है सर? सभी पे मैं यही बोलूँगा ना कि एक नेता जो है ना, मैं खुद लीडर भी करता हूँ, है ना, और आपको तो पता ही मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना सदस्य हूँ और महामंत्री जनरल सेक्रेटरी भी स्टेट का रहा हूँ, और जिस तरह का कार्यशैली है वो मैं समझता हूँ। तो मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरा तो अपना स्टाइल है, मैं तो यही कहता हूँ कि यू शुड शेयर द क्रेडिट, अच्छा काम जहाँ हो वहाँ एक लीडर जो है वो उसको अपने वर्कर के बीच में, अपने सीनियर के बीच में, अपने प्रेडिसेसर के बीच में शेयर करना चाहिए, और जहाँ गलत हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। वो एक नेतागिरी करने का एक सबसे पहला मेरे हिसाब से एक निशानी है कि दिल बड़ा रखो। और देखिए जहाँ तक अभी मुझे तो ज़्यादा, आपको ही पता है मैं आता जाता कम हूँ आजकल आलो, तो जहाँ तक कल परसों के जो सवाल है, 2-4 स्पीकर्स के मैं बात सुन रहा था वो झारखंड ग्रामीण के डिक्लेरेशन प्रोग्राम में, वहाँ ये बात हो रही थी कि आलो ग्राउंड को लेके कि झारखंड ग्रामीण साहब ने एरिया कवर किया, कुछ ऐसे किसी ने बोला वहाँ पे। तो लेटर ऑन आई फिगर्ड आउट कि जो समझ में सुनने में आया और जो जहाँ तक समझ में आया कि वहाँ झारखंड ग्रामीण का अलॉटमेंट एक ही जगह है जहाँ KGB बिल्डिंग खड़ा है, और बाकी जो झारखंड ग्रामीण का जमीन कह रहा है वो अलॉटमेंट सरकारी तरफ से बाकायदा पूरे प्रोसेस के, बाय प्रोसेस ऑफ लॉ झारखंड को अलॉट नहीं हुआ, वो किसी और को अलॉट हुआ, और उन लोगों ने झारखंड को गिफ्ट किया हो, बेचा हो, आई डोंट नो, ऑनरशिप हैज कम टू झारखंड फॉल्ट, है ना। तो ये पब्लिक, मैं भाई के हिसाब से बोल रहा हूँ, पब्लिक को ये बोलना है कि इवन द लीडर जिसको आप भरोसा करके नेता बनाते हो, ही शुड नॉट स्प्रेड लाइज, है ना। होता है राजनीति में कि अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, ये अपने 2-3 जो रैंक ऑफ लेयर्स होता है ना वर्कर, उनके बीच में रख दो ना, लेकिन जो नंबर वन लीडर है ही शुड नॉट इंडल्ज इन सच लाइज, ही शुड नॉट ट्रेड लाइज, झूठ फैलाना वो शोभा नहीं देता, सुंदर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। स्पेशली कम पढ़ा लिखा हो तो बात अलग है, पढ़ा लिखा लो डिग्री करके आया वो बोलना कम करे तो अच्छा है। और जहाँ तक जनरल हॉस्पिटल का सवाल है, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, हम छोटे थे जब, आई एम फ्रॉम 80s, मैं 80s में हम बच्चे थे यहाँ पे आलो में, तब वो जनरल हॉस्पिटल हुआ करते थे,
लेकिन बाद में वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिमोट हुआ है ना, फिर जारकर गामलिंग के टेन्योर में उसको वापस एलिवेट करके जनरल हॉस्पिटल बनाया। एंड दैट वाज आल्सो अ जनरल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, जो जो उसका भी कहानी जारकर गामलिंग साहब ने अपना डिक्लेरेशन 9 तारीख को सुनाया, वो कहानी वो इवेंट कैसा हुआ। तो आज भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने पहले ही कहा जहाँ तक आदो साहब ने करा, उसके बाद सोरा साहब ने करा, उसके ऊपर जारकर साहब ने करा, उसके ऊपर आज जीरे साहब करे, अच्छा चीज़ है। हाँ, ये कहना कि आलो जनरल हॉस्पिटल इज वेरी यूनिक, एक बहुत नया है, यही हॉस्पिटल है केवल जहाँ ICU है, यही हॉस्पिटल है केवल स्पेशलिस्ट है, वो बात फैक्चुअली गलत है, झूठा है ना, मैं उसको नकारता हूँ। क्योंकि ये ऑल थैंक्स टू कोविड, बहुत बुरा समय था, बहुत तकलीफ समय था, उस दौरान पेमा खांडू सरकार मुख्यमंत्री के डिसीशन के उसमें ये आया था कि जहाँ जहाँ जनरल हॉस्पिटल है, स्पेशली लोहित में, तिराप में, सियांग में, सुबनसिरी में, जो मेन मेन हॉस्पिटल है, उन सबको उस वक्त तो आपको पता है ऑक्सीजन का कमी है, तो ऑक्सीजन वाला प्रोसेस कहाँ होता है, ICU में ज़्यादा अच्छा होता है, तो हर जगह ICU सेटअप करा गया। तो देयरफॉर आलो में आज ICU लगा है, बहुत बढ़िया है, आलो के जनता के लिए, पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है। एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि आलो जनरल हॉस्पिटल इज नॉट अ यूनिक केस, और ऐसा नहीं कि केवल जीनी साहब करा है ना, ये मुख्यमंत्री का क्रेडिट को जाता है, ये हेल्थ कमिश्नर को जाता है, सारे मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मिनिस्टर को जाता है, हु डिसाइडेड एंड स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है, जिसने एडिशनल फंड दिया कोविड के समय ICU लगाने को, ऑक्सीजन प्लांट लगाने को। तो ये सच, और देखो ये हम नेतागिरी में करते हैं, झूठ नहीं बोलो लेकिन सच बोलो, और जरूरत पड़ने आधा सच बोलो, तो शायद इस केस में जीनी साहब ने आधा सच पब्लिक को दिया है, वो जो जाया है, इट्स ओके, इट्स फेयर, इन फेयर, इट्स फेयर ऑन पार्ट ऑफ केंतो जीनी कि आधा सच पब्लिक को बताया, लेकिन पूरा सच ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडिशनल फंड दिया कोविड के दौरान, और मुख्यमंत्री एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू डिसाइडेड कि ये 5-6 जनरल हॉस्पिटल को अपग्रेड करके उसमें ICU फैसिलिटी दिया जाए, ताकि कोविड से संबंधित किसी को लो ऑक्सीजन हो रहा उसको सपोर्ट दिया जाए, उनका जान बचाया जाए। सर, आप पार्टी महामंत्री भी रह चुके हैं, 31 आलो ईस्ट में देखा गया है कि दोनों ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा कायम करके रखा हुआ है, और उड़ती खबर यह भी है कि आपके बड़े भैया पूर्व मंत्री जारकर गामलिंग जी के कई सारे एक्टिव मेंबर्स को अंडर सस्पेंशन रखा गया है पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए, NPP से उनका नाम जोड़ा जा रहा है। सर, पार्टी किस तरह से काम करती है, कार्यप्रणाली क्या है, आपको क्या लगता है? सर देखिए, मैं हमेशा एक बात कहा हूँ, जब यद्यपि मैं 2019 में पार्टी से रिजाइन करा, BJP से उसके निकल के भी आया, तब भी मैं कहता आया हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना, जहाँ एक आम कार्यकर्ता को रिकॉग्निशन मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है, तो हमेशा मैं बोलता हूँ ये कांग्रेस नहीं है, ये BJP है। मैं रहा हूँ इतने साल, वर्षों रहा हूँ, और 2019 में जब मैं MLA लड़ने, तो 27 लिरमो बस MLA लड़ने गया था, तब भी मैंने रिजाइन करके लड़ा, तब तक मैं जनरल सेक्रेटरी था स्टेट का। और मैं ये कहूँगा कि आज अगर कोई भी मेंबरशिप को सस्पेंशन कराया, कोई बड़ा बात नहीं है, 2016 में मेरा मेंबरशिप सस्पेंड हुआ था, क्योंकि 27 लिरुमाबा में एक बाईपोल इलेक्शन हुआ था, तब किसी ने कंप्लेन कर दिया कि मैं कैंडिडेट BJP के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ कैंपेन कर रहा हूँ, तो फिर मेरा सस्पेंशन हुआ, और सस्पेंशन ऑर्डर में उस वक्त हमारे मेरे गुरुजी है तय तागाक जी, अभी एडवाइजर टू द CM है, वो हमारे पुराने अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कहा कि जारपुम कंप्लेन आया है, मैं आपको सस्पेंड करने वाला हूँ। मैं बोला किस लिए, बोला तुम तो उसके खिलाफ कैंपेन करा है। मैं बोला मैं गया ही नहीं तो कहाँ से कैंपेन करेगा, तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन ले लिया। मैं सस्पेंशन पर बैठा हुआ था, तो अचानक एक दिन खबर आया कि तापिरगाँव साहब प्रेसिडेंट बन गए, तो उसके बाद एक महीने बाद मुझे बोला कि तुम आज से जनरल सेक्रेटरी, मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी आ गया, और मेरा सस्पेंशन रिवोक भी नहीं हुआ था, तो पहले मुझे महामंत्री बनाया, उसका सस्पेंशन रिवोक करा। तो मेरा ये कहना है कि BJP जो पार्टी है, संगठन है, डिसिप्लिन है, स्ट्रांग है, बट येट समय के साथ फ्लेक्सिबल भी रहता है। तो आज मैं तो अभी बहुत नया नया चीज़ देख रहा हूँ कि ब्लॉक लेवल अपॉइंटमेंट, जबकि एक मंडल को साइन करना होता है, मंडल प्रेसिडेंट को, मंडल अध्यक्ष को, मैं आज तो ये भी देख रहा हूँ मंडल अध्यक्ष के साथ वो स्थानीय
एमएलए भी साइन कर रहे हैं अपॉइंटमेंट पार्टी के। देखिए बीजेपी में दो चीज़ें, पार्टी और गवर्नमेंट, ये बहुत दो अलग चीज़ें हैं, दे डोंट इंटरफेयर। मतलब हो रहा है तो अब क्या चल रहा है अंदर मुझे पता नहीं, बिकॉज मैंने जैसे कहा 2019 में मैंने रिज़ाइन करा, उससे दूर, उसके बाद मैं दूर ही रहता हूँ। बट इट्स फॉर द लीडरशिप, पार्टी लीडरशिप टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। और जहाँ तक पार्टी टिकट का सवाल है, मैं आपको खुले तौर पे बोलता हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी, आज तक ऐसा भारत के इतिहास में हुआ नहीं कि एक महामंत्री को टिकट काटा गया हो, मेरा कटा। ये पॉलिटिक्स है, राजनीति होता है। जारकर गामलिन को बोला कैबिनेट मिनिस्टर सिटिंग भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग के, बोला कि आपको इस बार नहीं लड़ना है, बेचारा वो बैठ गया। तो ये होता है। लेकिन देखिए जारकर का मैच्योरिटी था, रिजाइन भी नहीं करा, चुपचाप रिटायर होकर बैठ गया, चलो मैं, मुझे नहीं लड़ना है। लेकिन हम तो जवान है ना, मैं तो जवान हूँ, गर्म खून है, मैं बोला ना मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ गया, लड़के अब इस बार डिसाइड भी कर दिया नहीं लड़ना है। मैं जून के 16-17 तारीख को लिरमोबा गया, योमचा गया, वहाँ के सपोर्टर को डिनर होस्ट करा, सबको बोल दिया मैं इस बार नहीं लड़ रहा हूँ, है तो सबके साथ मीटिंग करा, ईटानगर में भी मैंने मीटिंग करा, कांबा में भी मैंने मीटिंग करा, मीटिंग करके सारे वर्कर को समझाया मैं क्यों नहीं लड़ रहा हूँ, है ना, ये कारण है, 1, 2, 3 मैंने कारण समझाया, और समझ भी गए लोग। तो मेरा ये कहना है कि अब आज मैं पार्टी में वापस हूँ, वापसी कर रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं जैसा आदमी कोई दूसरे पार्टी में टिक ही नहीं सकता, क्योंकि हम जिंदगी भारतीय जनता पार्टी में निकालें तो हम वही रहेंगे। सर वही मैं पूछने ही वाला था कि 2019 को आपने पार्टी छोड़ी, उसके बाद आपने चुनाव लड़ा, क्या इस बार भी जारपुम गामलिन का चेहरा 27 लिरमो में दिखाई देने वाला है? पूछने ही वाला था मगर आपने बता दिया, खैर। हाँ, लड़ूंगा नहीं लेकिन सक्रिय रहूंगा, एक्टिव रहूंगा। ओके ओके ओके। एक्टिव किस तरह रहता है वो मैंने जैसे कहा, मैं 27 लिरमो पॉलिटिक्स को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं, वो मेरा मैदान है, वो मेरा गढ़ है, मैं वहाँ लड़ा हूँ, मेरे बड़े भाई साहब वहीं से MLA बना, वहीं से मिनिस्टर बना, वहीं से चीफ मिनिस्टर बना, है, और हमारा जड़ वही है, मेरा फाउंडेशन वही है, मेरे बुनियाद परिवार का जो राजनीतिक बुनियाद है वो 27 लिरमोबा में शुरू होता है। मेरा राजनीतिक बुनियाद लिरमोबा सर्कल से शुरू होता है, योमचा सर्कल से शुरू होता है, दारक है, रूसी केसी है, कंबा है, हमारा बुनियाद वही है राजनीति का। हाँ, जारकर भैया यहाँ लड़ रहा है वो वक्त की पुकार है, आम जनता की पुकार है, नहीं तो जारकर भैया कौन सा इस बार लड़ने वाला था, वो तो रिटायर कर गया था, वो बोला चलो मैं बीजेपी में रिटायर कर रहा हूँ, है, वो तो आप PLN में देखा ही है, उसने अपना जो पॉलिटिकल एक जो घर था ट्रेडिशनल उसको भी उसने तो डिमोलिश कर दिया था। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर वो बोले कि आम जनता के दिमाग है मुझे लड़ना है, हम लोग ने कोशिश करा कि बोलने के लिए कि नहीं हम लोग को वहाँ नहीं लड़ना चाहिए, यहाँ लड़ना चाहिए, बट ठीक है, बड़े भाई है हमारे, बड़े भाई साहब बुजुर्ग आदमी है, राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि 27 लिरमोबा में भी लगभग 30 साल गुजारा है उसने पॉलिटिक्स में, फिर उसके बाद यहाँ आलो में भी अब कितने साल हो गए, 15 साल हो गए वो पॉलिटिक्स में, आलो ईस्ट में है ही है, सक्रिय है, तो वो समझते हैं, उसका पल्स समझते हैं, तो उनके समझबूझ को हम नकार नहीं सकते, तो वी आर गोइंग बाय हिज डिसीशन। एंड ऑल सिबलिंग्स, आपने भी देखा है कि हम, अब हम 6 भाई थे, अब 4 भाई हैं, लेट जारबम तो गुजर गए, लेट जारी तो गुजर गए, तो हम 4 भाई हैं, हम चारों भाई उनको सपोर्ट करेंगे जारकर को। आपने कहा 27 लिरमोबा में आप उठेंगे नहीं लेकिन सक्रिय जरूर रहेंगे, एक्टिव जरूर रहेंगे। सर 2019 के चुनाव के बाद अभी स्थानीय विधायक 27 लिरमोबा की ही बात करते हैं, न्यामर करबा के, तो 2019 के उस चुनाव के बाद अभी तक क्या कुछ 27 लिरमोबा में आपने चेंजेस देखा, और इस वक्त हालात किस तरह से है, राजनीतिक माहौल 27 लिरमोबा का किस तरह से आप देखते हैं? सर देखिए, मैं हारने के बाद 2019 में इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड एंड व्हेन आई हैड लॉस्ट, मैं एक बार लिरमोबा गया, योमचा गया, कांबा, दारक, सब जगह एक एक बार गया, मेरे जितने सपोर्टर हैं सबसे मिला, वो 2019 में। और उसके बाद काफ़ी गैप हुआ, आना जाना होता था, मगर इस तरह पॉलिटिकल टूर के हिसाब से मैं कहीं गया नहीं हूँ। लेकिन अब पिछले जो गए जून में 16-17 तारीख को मैं जरूर गया हूँ, लिरमोबा गया, योमचा, पॉलिटिकली मैं गया हूँ, तो काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो गया, स्पेशली मैं तो कहूँगा ये योमचा टू श्री रुजो टू तगो गामलिन टू बाया योंगम जो रास्ता है वो बहुत बढ़िया बना। हाँ, अगर कमी रह गया तो योमचा टू लिरमोबा के बीच का रोड
बहुत हालत ख़राब है। मैंने बताया स्थानीय विधायक को, मैंने बताया कि वो देख लो, तो उसने बोला कि अब काम चल रहा है उस पर, शायद टेंडर वेंडर होने वाला है तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये है ओवरऑल, और कनेक्टिविटी नेटवर्क के हिसाब से मोबाइल नेटवर्क इज़ वेरी गुड, वेरी फंटास्टिक। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द पीपल। अब उनको कैसे, उसको कैसे मेंटेन करना है वो सरकार के ऊपर है और आम जनता के ऊपर है, है ना। और बाकी जो है ऑलमोस्ट कि जैसे ग्राउंड आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गए। देखिए मैं जब इलेक्शन लड़ा था और आज भी मैं बोलता, फॉर मी प्रायोरिटी इज नॉट ओनली रोड कनेक्टिविटी बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर हेल्थ सेक्टर, बिकॉज जिसके पास पैसा है वो तो दिल्ली चला जाएगा, जिसके पास पैसा गुवाहाटी चला जाए, डिब्रूगढ़ चला जाएगा, लेकिन जो गरीब है वो किसके पास जाएंगे। तो हेल्थ ठीक करो, एजुकेशन, जो गरीब है, जो अमीर है वो बाहर बच्चे को बोर्डिंग प्राइवेट में डाल देंगे, जो गरीब है विच इज़ मैक्सिमम 80-90% लोग उसी रेखा के नीचे है जहाँ तकलीफ होते हैं फिनेंशियली, तो उनके लिए सोचना चाहिए। सो आई हैव बीन इंसिस्टिंग, तो उस हिसाब से टीचर्स और मुझे अच्छा देख के पिछले बार ये लगा कि पूरे वेस्ट सियांग में क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में योमचा वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल। सो गोइंग बाई माई पर्सनल इंडिकेटर, आई थिंक अच्छा काम हो रहा है। एजुकेशन अच्छा हो तो अच्छा इंडिकेशन है, हेल्थ सेक्टर अच्छा हो तो अच्छा इंडिकेशन है। तो जहाँ तक एजुकेशन है, आई एम हैप्पी, आई एम डिलाइटेड कि लास्ट CBSE बोर्ड रिजल्ट में मैंने देखा तो वहाँ एक लोग तो क्रेडिट उसको, एक प्रिंसिपल थे पोगदयोंगम, उसको बहुत क्रेडिट देते हैं, मेरे मामा भी लगते हैं। आई एम वेरी प्राउड दैट ही हैज़ टेकन गुड कंट्रोल ऑफ द स्कूल एंड स्कूल का एक माहौल बनाया, पढ़ाई का एक माहौल बना के बच्चों को अच्छा पढ़ाई दिया और वेस्ट सियांग में बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल बन के निकल के आया, तो इट्स अ गुड साइन। ओके सर, जब 27 लिरुमाबा की बात आती है, एक बहुत ही दुखदायक हादसा के बारे में हमेशा जहन में आ जाता है, लेट तुमी गंगा के बारे में, और इस केस से आप काफ़ी नज़दीक से आप जुड़े रहे हैं, अभी किस तरह का अपडेट है इस केस को लेकर, परिवार वालों का क्या स्थिति है, घर में किस तरह से हैं? साथ ही आरोप ये लगाए जाते हैं आरे लेकर कि इस मुद्दे को, ये जो दुखदायक हादसा है, इस पर राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाती है, अब इन तीनों पर आप क्या कुछ कहना? कुछ लास्ट पार्ट से शुरू करता हूँ। राजनीतिकरण मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इट्स अ पर्सनल ट्रेजेडी एंड किसी के पर्सनल ट्रेजेडी को, जो पर्सनल त्रासदी है, त्रासदी किसका है? एक परिवार जहाँ चार चार छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने ताऊ, उनका अपना बड़े भाई का एक लड़का है, तो पांच बच्चे मान के, छोटे छोटे पांच बच्चे हैं और एक वाइफ है, है ना। उनके लिए आपने हस्बैंड जाते जाते उतना ज़मीन बनाया, ना मकान बनाया, ना बैंक बैलेंस छोड़ा, तो इस तरह का जो पर्सनल त्रासदी है, त्रासदी को इस तरह अगर कोई राजनीतिकरण कर रहा हो तो गलत बात है। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो पर्सनल ट्रेजेडी है, त्रासदी है, त्रासदी को आप राजनीतिकरण ना करें। मैं अपने लोगों, जो स्पेशली कारगू करदी वेलफेयर सोसाइटी हो या न्यामार करबा के साइड से हो, बिकॉज मैं समझता हूँ कि कई फोरम में दिखने को मिलता है, तो एटलीस्ट जारपुम गामलिन एज अ बेगम मेम्बर, आई हैव रजिस्टर्ड एंड आई हैव अपोज्ड फ्रॉम डे वन दैट इट शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज। और मैं ये भी कहता हूँ, अगर पॉलिटिसाइज करो तो मेरे ख्याल से दोनों साइड को नुकसान होगा, है ना। इसको इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ लेट तुम्बी गांका वॉज अ वेरी ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर, ये सबको पता है, मुख्यमंत्री को भी पता है, सारे जाँच वाले SIC बोलो, SIT बोलो, CBI बोलो, ED बोलो, सबको पता है और मुख्यमंत्री को भी पता है। तो इस माहौल में वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर हिज फैमिली, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो KKWS भी उसी दिशा में जा रहे हैं और करबक साहब ने भी उसी दिशा में ले गया है, क्योंकि हम गालो वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से, एपेक्स बॉडी जो है उसके तरफ से भी, जो CM साहब को मेमोरेंडम हमने 3 पॉइंट्स दिए थे और लगभग तीनों फुलफिल हो गए। हमने वन मैन कमीशन इंक्वायरी मांगे थे, एक सिटिंग जज या रिटायर्ड जज के थ्रू, जो जस्टिस शर्मा को उसने अपॉइंट कर दिया है, तो ही विल टेक ओवर वेरी सून, आई थिंक ही मस्ट हैव टेकन ओवर, आई हैव नॉट टेकन अपडेट इन लास्ट 2 वीक्स, तो शायद हो गया होगा, आ गया होगा, लेकिन अपॉइंटमेंट हो गया है। वन टू, हमने बोला था कि सिटी पुलिस से केस को ट्रांसफ़र करके स्टेट के SIT पे भेज दीजिएगा केस को, ताकि वो CM के डायरेक्ट निगरानी में रहे। और आप लोग को पब्लिक कंजम्पशन के मैं बता रहा हूँ, SIC जो है वो होम मिनिस्टर के अंदर है और SIT जो है चीफ मिनिस्टर के अंदर है, तो हमने SIT मांगा जो चीफ मिनिस्टर, बिकॉज
हमको पेमा खांडू साहब पे एक भरोसा है कि ही इज वेरी सीरियस एंड वेरी सिंसियर अबाउट अपरूटिंग द करप्शन, अबाउट अन यू नो ओपनिंग द लिड, कि ये जो सच्चाई अंदर की उजागर करने के लिए पेमा खांडू साहब बहुत सीरियस है, बहुत सिंसियर है। इसीलिए हमने बोला सर आप इतना ही सिंसियर है, अपने सीरियस है, तो ये केस को आप सिटी पुलिस से लेके आप अपने पास रख लीजिए। तो उसने वो भी कर लिया। और हमने रखा था कि ले तुम्ही गंग तो गुजर गए, परिवार को दिक्कत और उनका अकाउंट फ्रीज हो रखा है, तो और आप सोचिए पिताजी मर गए लेकिन बच्चों को खाने को तकलीफ हो रहा है, कि उनका रिटायरल जो होता है ना ग्रेचुटी पीएफ वो फैमिली एक्सेस नहीं कर पा रहे बिकॉज पिताजी सस्पेंशन पे है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। तो हमने बोला था कि आप इसका सस्पेंशन रिवोक कर दीजिए, वो भी पेमा खांडू सरकार ने रिवोक कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आज भी बोलता हूँ कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट हम लोग को जो दिया गया ये है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट अंडर 1952 एक्ट के अंदर दिया हम लोग को। तो इसमें क्या होता है जब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाते हैं ना तो असेंबली में रेजोल्यूशन को पास करना पड़ता है, लेकिन वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द पोलिटिकल लीडर्स फ्रॉम लिरमोबा न्यामार खरबाक एंड टू पेमा खांडू जी, जो बिना असेंबली सेशन में रेजोल्यूशन पास किए इन्होंने इसको अपॉइंटमेंट दे दिया और कमिटी को फॉर्म कर दिया, गठन कर दिया है। तो अभी लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि केस यही ख़त्म होता है, उसका मतलब ये है कि अब SIT किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन को लेके जा रहे हैं और वन मैन कमीशन इंक्वायरी क्या फाइंडिंग्स लेके आते हैं, हम उसका इंतज़ार करेंगे। तभी मैं कहता हूँ ना कि पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ KKWS प्रेशर नहीं देता तो ये नहीं होता, वन मैन कमीशन उनकी नहीं होता अगर खरबक साहब मदद नहीं करता। तो इस तरह सबका कंट्रीब्यूशन है एंड वी एज फैमिली मेंबर्स, वी ए बेगम सोसाइटी, वी एक्नॉलेज जो KKWS के प्रेसिडेंट है बाजब जिलन है, जनरल सेक्रेटरी काली बोगो है, जो खरबक साहब का इलेक्शन एजेंट है, हम उनका कंट्रीब्यूशन को भी एक्नॉलेज करते हैं। मान्यात साहब, न्यादर लोया साहब जो गालो वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, उनके कंट्रीब्यूशन, उनके एफर्ट को भी हम एक्नॉलेज करें। सो वी बेगम सोसाइटी एज अ होल, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, ऑल सेक्शन ऑफ, नॉट ओनली दैट अक्रॉस अरुणाचल पूरे, जिस तरह का हमको एक वो आया ना सुनामी आया ना, जिस तरह का सपोर्ट का, विच इज अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग। तो मैं आज भी बोलता हूँ वी द बेगम सोसाइटी विल नॉट अलाउ इट टू बी पॉलिटिसाइज एंड वी वांट जस्टिस फॉर द डिसीज्ड फैमिली। तुम्ही गंगक साहब के फैमिली को हम जस्टिस देना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं और हम दिला के रहेंगे। और हम ये भी मान के चलते हैं कि सरकार पेमा खांडू के नेतृत्व में हमें जस्टिस दिला के छोड़। सर इस बार 27 लिरमोबा में दो उम्मीदवार सुनाई दे रहा है, हालांकि डिक्लेरेशन अभी तक किसी ने भी ऑफिशियली नहीं किया, आपने भी बताया। और उड़ती खबर हमें ये भी मिली है कि इस बार आप सिटिंग MLA स्थानीय विधायक न्यामार खरबाक जी के ट्रेन में सफ़र करने वाले, क्या ये सही है या फिर इस पर आप कुछ खुलकर बात कर सकेंगे सर या नहीं? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिला हूँ खरबाक साहब से, क्योंकि मैं उनको जब मिला तब भी कहा पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, मैं जिस दिन हम हारे आलो क्लब में मैं इस दायस पे बोला कि आप जीत गए, आप अच्छा नेतृत्व कीजिए और कई मदद चाहिए तो बता दीजिएगा। और मैं ये भी उसको बोला कि मैं कभी आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा, और 5 साल मैंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं करा। आपने कभी सुना भी नहीं हुआ कि यहाँ हंगामा हुआ, हड़ताल हुआ, स्ट्राइक हुआ, ना मैंने कभी नहीं करा। और बहुत सारे मेरे वर्कर्स हैं, उन्होंने RTI भी फाइल करा, डॉक्यूमेंट्स भी लेके आया, मैंने उन लोगों को भी कहा ये सब मत करो, डेवलपमेंट काम चल रहा है चलने दो, तुम RTI कर दे, केस कर दे, काम रुक जाएगा एंड हु विल बी द सफरर, ये आम जनता पब्लिक सफ़र करेंगे, है ना। और उस तरह हमने वो 27 लिरमोबा बिकॉज मैंने, और ये भी मैं कहता हूँ वर्कर को, देखो आज तुम कंप्लेन करो, मैं जीतता तो तुम लोग भी यही काम करता, दूसरा पार्टी कंप्लेन कर रहा होता। सो दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, सो लेट देम, सो लॉन्ग एज नोबडी इज डिनाइड। हाँ ये बात सच है कि जल जीवन मिशन के दौरान मैंने एक इंजीनियर को जरूर फोन करा, दैट वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई इंटरफियर्ड एज अ डिफीटेड कैंडिडेट ऑफ 27 लिरमोबा। वो भी क्या है कि जल जीवन मैंने कहा भी था कि वो बोले कि पानी नहीं पहुंचाया दो घर में, और किसी ने अफवाही मान के किसी ने बोला वो दो घर को इसलिए पानी नहीं दे क्योंकि वो दोनों घर ने जारपुम गामलिन को वोट करा था। तब मैंने जो सरकारी मुलाजिम है उनको फ़ोन करके बोला ये बहाना मत बोलो कि जारपुम को वोट, ये बोलो कि तुम वहाँ तक जाने क्यों, दो घर दूर है तो तुम पाइप नहीं बिछाना चाहते, तुम खर्चा नहीं करना चाहते, MLA साहब को बदनाम मत करना, आप पाइप बिछा दो और पानी पहुंचा दो, और उसमें तुम किस क्वालिटी का पाइप डाल रहे हैं वो मैं सवाल नहीं करूंगा, लेकिन तुम वो दो घर को पानी नहीं पहुंचाओगे फिर मैं आपका पानी टैंकी से शुरू करूंगा।
बिकॉज इन अरुणाचल इट्स ए रियलिटी टुडे कि कोई भी DPR के मुताबिक पानी टंकी नहीं बनाता है, क्वालिटी मेंटेन नहीं करता है, पाइप का क्वालिटी मेंटेन नहीं करता है ना। तो मैं बोला मुझे चालू करने मत दो। तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ तक स्थानीय विधायक का सवाल है, मैं मिला हूँ, मैं मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मिला हूँ, और आपने जारकार गामलिंग का डिक्लेरेशन भी सुना। जब मेरे अपने सगे एक ही माँ से निकला मेरा सबसे बड़ा भाई, मेरे पिता स्वरूप जारकार गामलिन जब लड़ रहे हैं, हम इस बार बैठ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जारकार गामलिन इस जिंदगी के इस पड़ाव में आके जब लड़ रहे हैं वो जीतना चाहिए, और हम जी जान फूकेंगे। उसके लिए हमको पेमा खांडू साहब से मिलना हो, मुख्यमंत्री से मिलना हो, हमको किरण साहब से मिलना हो, न्यामार कारबक से मिलना हो, बागरा साहब से मिलना हो, केंतो जीनी साहब से मिलना हो, मैं मिलूँगा, है ना। लेकिन मैं दूसरी बात मैं आपको ये बोलूँगा कि आपने ट्रेन कहाँ है, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस भी गाड़ी में सफ़र करूँ ना, वो गाड़ी ट्रेन नहीं होनी चाहिए, वो प्लेन उड़ान बढ़नी चाहिए, जमीन पे नहीं चलनी चाहिए। सर आपका दायित्व अभी बात करते करते मुझे अच्छे से पता चल गया कि दोनों तरफ है, 31 आलो इसमें जितना है उतना ही 27 लिरमोबा में भी आपका दायित्व होने वाला है, आप सक्रिय काफ़ी रहने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको ठोकूंगा नहीं, लेकिन मैं बताऊँ, मैं करबक साहब को भी मिला हूँ, और बसी जिलेन साहब भी मेरे घर में एक दो बार आए हैं, मैं भी अभी रिसेंटली मैं उसके घर भी गया हूँ, मैं उसको फ़ोन भी कर रहा हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनका जो लड़का है उनका देहांत हुआ दिल्ली में, तो उस संदर्भ में उसके घर भी गया हूँ, है ना। राजनीति एक तरफ है, सोशल कट्सिस एक तरफ, पॉलिटिक्स एक तरफ है, और पर्सनल रिलेशन एक तरफ है ना। करबक साहब जितना ही बोलो वो अपना मेरा साला है, मैं उसका जीजा जी लगता हूँ, हाँ वो एक तरफ है, लेकिन पॉलिटिक्स एक तरफ है। बसी जिलन बहुत बढ़िया आदमी, मेरे साथ हम दोनों साथ एक साथ थे पिछले इलेक्शन में, है ना, बहुत बढ़िया आदमी, मैं सबको कहता हूँ बहुत अच्छा आदमी। मैं करबक साहब को भी बताता हूँ आसपास बहुत अच्छा आदमी। तो ये माहौल तो ऐसे ही बनता है ना। और मैं साथ में ये भी बोल रहा हूँ, 8-9 महीने बाकी है, राजनीति किस तरह अनफोल्ड होगा अब किसी को पता नहीं ना, पॉलिटिक्स किस तरह अनफोल्ड होगा ये, इसीलिए अरे जारपुम न्यामार कारबाग से मिल लिया बहुत बड़ा विषय ना, मेरे लिए नहीं। कल को यू शुड नॉट बी सरप्राइज इफ यू हियर कि जारपुम वो केंतो जीनी साहब के घर गया था, वो जारकार उससे लड़ रहा है मिलने, मैं जाऊँगा मिलने, पर्सनल दोस्ती है, है कि नहीं। तो बट वी शुड नॉट मिक्स बोथ टुगेदर्स। हाँ, किसको सपोर्ट करना है, क्या करना है, और मैं कह भी रहा हूँ कि मेरा जो भी है सारा दाव मैं अपने बड़े भाई के ऊपर लगा रहा हूँ, और दाव लगा जब लगाते हैं तो अच्छी तरह लगाना चाहिए, है ना। तो सर आखिर में अभी जो मैं कह रहा था कि दायित्व दोनों तरफ ही आपका बराबर रहने वाला है, आपके मन में अभी दोनों तरफ की जनता को क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, मन में क्या क्या विचार है, चाहे वो बेगम आओ को हो, चाहे और पूरे KKWS को, या 27 लिरमोबा को हो, या फिर 31 आलो इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी आम जनता है सबको हो, अगर दोनों ही तरफ को लेकर एक बात में आप कहना चाहेंगे, आपके दिल में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। एक्चुअली आपने तो बहुत बड़ा सवाल कर दिया, लेकिन इसका मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा कि अगर जनता मेरी आवाज़ सुनना चाहते तो मैं 2019 में ज़रूर जीतता। जब जनता ने मुझे नकारा है तो मैंने पब्लिकली बोलना छोड़ दिया हूँ मैं क्या चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ मगर मैंने बोलना छोड़ दिया। इसलिए ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, 2019 के बाद मैं मीडिया में भी बोलना छोड़ दिया, लिखना भी छोड़ दिया। आई रियलाइज दैट पीपल डोंट वॉन्ट टू लिसन टू यू, पीपल डोंट वॉन्ट टू हियर यू आउट, सो therefore आई स्टॉप एयरिंग माई व्यूज माई कंसर्न। बट हाँ, इसलिए आपने देखा पूरे लगभग चार साल के बाद में तुम्ही गंग का केस में मैं जरूर आगे आया हूँ। दैट्स बिकॉज मैं ईटानगर में आज जो KKWS के अंदर भी बेगम सोसाइटी में मैं सबसे सीनियर हूँ लगभग, है ना। मतलब सीनियर मतलब मेरे बाद गोतो गंगा के डॉक्टर, हम दोनों ये सीनियर वहाँ पे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बाहर आया, मीडिया के सामने रूबरू हुआ, और आज भी तुम मेरे पुराने दोस्त हो, पुराने जानकार हो, और आई हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर योर काइंड ऑफ ग्राउंड रिपोर्टिंग, एंड सो देयरफॉर यू नो वी आर सिटिंग टुगेदर। अदरवाइज नॉर्मली आई हैव बीन अवॉइडिंग, बट यस, लेकिन मैं इतना कहूँगा मैं आने वाले दिन में मीडिया के बीच में भी सक्रिय रहूँगा, एक्टिव रहूँगा, मैं अपना ओपिनियन मेरा ऑब्जर्वेशन में शेयर करता रहूँगा, मैं तो यही सोच रहा हूँ अभी फिलहाल, है ना। और जहाँ तक मन की बात है, आई थिंक ये मोदी जी को ही बोलने दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों,
एक इस खुली आसमान के नीचे इस बड़े से पेड़ की छांव में हम बैठे हैं। सर नहा रहे थे बाकायदा यहाँ पे नदी पे। मैंने कॉल किया, किसी ने उठाया, सर को दिया, समय मांगा, उसके बाद यहाँ अभी भी हम लोग हाफ पेंट में ही बैठे हुए हैं। आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन सच में बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और आई होप कि आप लोगों को भी शायद सुनने का मन हो गया था वो, क्योंकि आप इतना अच्छा वक्ता भी इतने अच्छा बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे दर्शक भी काफ़ी खुश होंगे इतने सालों के बाद आपको सुनकर, और आगे भी आपको ज़रूर सुनना चाहेंगे। आप बोलना मत छोड़ेगा, हम भी यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन मुझे वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच किरण। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मीटिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स। सेम ईयर सर।